मैम आज कुछ ऑब्जेक्ट पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? ये थाना विधुना का मैटर है। 17/18 की रात में तीन घर और एक अनिर्मित दुकान में ये बताया गया था कि कुछ शीशम के डंडे लेकर कुछ लोग घुसे और सोते हुए लोगों के साथ मारपीट करके उनसे कुछ सामान छीनने का प्रयास किया। तो इसमें मूगाराम ये जो एक अर्धनिर्मित दुकान में रहते थे, इनके द्वारा ये शिकायत की गई कि इनकी पत्नी से और इनके साथ एक और व्यक्ति रहते हैं, उनकी पत्नी से एक कान का बाला और एक मंगलसूत्र छीना गया था और मारपीट हुई थी, इन लोग के चोटें आई थी। तो इसमें कई टीमें गठित की गई थी, इसमें SOG और थाने की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए, मुखबिर सूचना कलेक्ट की गई। तो आज एक मोगिया प्रजाति के, ये दतिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है MP में, मध्य प्रदेश में, वहाँ का एक गैंग है जो अधिकतर मोगिया प्रजाति के लोग हैं। यहाँ 5 लोगों को औरैया से सहार जाती हुई रोड से गिरफ्तार किया गया है। ये मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि ये लोग पुनः कहीं घटना कारित करने जा रहे हैं, तो भोर में इनको गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त है वो, उनके नाम है रंजीत, ये थाना दतिया देहात जनपद दतिया का रहने वाला है। लोकेंद्र, ये भी थाना दतिया देहात दतिया का रहने वाला है। जरदान सिंह, ये थाना डबरा जिला ग्वालियर का रहने वाला है। हरबान सिंह, ये थाना सिविल लाइन देहात ये दतिया का रहने वाला है। और एक और अभियुक्त अरविंद, ये भी सिविल लाइन देहात ये जनपद दतिया MP के रहने वाले हैं। तो ये पूरा गैंग रात में जो है घटना करते हैं, ये जगह जगह पर डेरे बनाकर चूड़ी बेचने के बहाने से दिन में रहते हैं। इनकी पत्नियां जो है चूड़ी बेचने आदि का काम करती हैं और ये लोग रात में इस प्रकार की घटनाएं कारित करते हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास MP से भी मंगाया गया है, तो कई थानों में इन पर मुकदमे दर्ज हैं। और पूर्व में जनपद इटावा में भी जो है चोरी के, नकबजनी के और 420C के मुकदमे इन लोगों के ऊपर दर्ज हैं। तो ये घूम घूम कर जगह जगह पर रहकर डेरे बनाते हैं। तो इनका डेरा जहाँ से इन्होंने वो शीशम का डंडा काटा था उस तक पुलिस पहुँची और उससे आगे साक्ष्य संकलन करते हुए इनको, इनकी सूचना एकत्रित करते इनको अरेस्ट किया है। इनके 2 और साथी हैं जिन पर थाना संबलगढ़ जनपद श्योरपुर मध्य प्रदेश से भी मुकदमे हैं, जो कि अभी फरार है, जिसका नाम अंचुल मोगिया और राजकिशोर है। इन लोगों ने जो बाला और मंगलसूत्र का पेंडेंट चुराया था, उसको चुराने के बाद इन्होंने बाकी सामान अपना खर्च कर लिया और कुछ 2,500 रुपए इन लोगों से बरामद हुए हैं। और SOG और थाने की टीम जिन्होंने गिरफ्तारी की है उनको मेरे द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है।